फिदा करती हूँ तेरे नाम से रब्बे जलील, बढ़कर तेरी जात से कोई नहीं मेरा खली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुंदस फयाज अपनी जानिब से और इतरफ़ फ़ख़ारदर की जानिब से अपने तमाम नाज़रीन और सामईन को खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत मुनफरद और स्पेशल सेशन है, क्योंकि आज के हमारे सेशन में हम बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और वो टॉपिक है कि हम किस तरह से अपने इमाम के साथ बंधन को, रिलेशन को देखते हैं, समझते हैं, और किस तरह से उसे नर्चर कर सकते हैं। और इतने खास टॉपिक पे जो शख्सियत हमारे साथ गुफ्तगू करेंगी, मैं उनका तारुफ कराती चलूँ। आपका नाम शम्स हिरानी है, आप करंटली कैनेडा में रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान से आपका बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। आप इस वक्त नॉर्थ अमेरिका की एक लीडिंग कंपनी में सेल्स और बिजनेस के शोबे से मुंसलिक हैं। आपने IAS से ITP भी कंप्लीट किया है, उसके ग्रेजुएट हैं, और शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जहां जमातों में सेशन, सेमिनार्स, लेक्चर्स लेने का मौका मिलता है, आप पिछले 15 सालों से बहुत खुशी से उन दावतों को कबूल करते रहे हैं। इतरफ और एडमिंटन हो या पेरिस या इतरफ और पाकिस्तान, आप जहां भी मधु किए जाते हैं आप बड़ी खुशी से उस दावत को कबूल करते हैं और जमातों के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। इससे कबल के मैं आपको उन शख्सियत से मिलाऊं, मैं एक दो छोटी रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी। जैसे कि आपकी कमेंट्स, आपके फीडबैक्स हम सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें समझ में आता है कि हम आने वाले सेशंस को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, कौन से ऐसे सेशंस हैं जिनको आप सुनना चाहते हैं। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने MNE का लिंक वहां पे रखा है, आप प्लीज उसे क्लिक कीजिएगा, अपने कमेंट से, अपनी फीडबैक से हम सबको इन्फॉर्म्ड कीजिएगा। चैट बॉक्स की मदद से भी अपने कमेंट्स आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चले नाज़रीन, हम मिलते हैं शम्स सर से, तो हम दावत देते हैं शम्स सर को। जी शम्स सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच मलारी मदद, कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे, शुक्र मौला का। सर, जिस तरह से आज हमने देखा कि हमारा जो टॉपिक है नर्चरिंग इमाम मुरीद रिलेशनशिप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत स्पेशल भी है, क्योंकि जब बात इमाम अलैह सलाम की हो तो और उसकी रिलेशनशिप की हो तो वो बहुत इम्पोर्टेंट फील करने लगते हैं और स्पेशल फील आती है। तो सबसे पहले कि हम देखें कि ये बॉन्ड क्या है, ये रिलेशनशिप क्या है, डेफिनेटली हर शख्स इसको डिफरेंटली देखता होगा और हर शख्स को डिफरेंटली एक्सपीरियंस करता होगा। आप किस तरह से इसको देखते हैं कि आपकी नजर में ये ताल्लुक कैसा होता है? थैंक यू सुंदर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया एक जेनरस इंट्रोडक्शन का भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सब लोगों को मेरी तरफ से या आले मदद अगेन। आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है सुंदर, इसके हमारा जो रिश्ता है हमारे इमाम के साथ, जमाने के इमाम के साथ, वो रिश्ता ऐसी क्या बात है उस रिश्ते में, और उस रिश्ते को हम नर्चर कैसे करें, जाहिर है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरू में आपके सवाल का जवाब देते हुए कि रिश्ता कौन सा रिश्ता है, तो उसको थोड़ा सा हम स्टेप बैक करें और अर्ली 1900s की तरफ जाते हैं। एक स्टोरी है जो मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ और उसे हम समझने की कोशिश करें कि ये रिश्ता एक्चुअली क्या है। बात थी जैसे मैंने कहा अर्ली 1900s में पीर सब्ज अली की, जब मिशनरी सब्ज अली को इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने दावत दी कि आप एक जगह पहुंचे जो कि बदख्शान का एक इलाका है रेशून, जो कि आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान चित्राल के अंदर, वो अपर चित्राल के अंदर मौजूद है, और वहां पर मौलाइज की जमात है, मौलाइज नाम की एक जमात है, वहां पर आप पहुंचे और उधर मेरा ये मैसेज, ये फरमान जमात को जाके आप सुनाए। और आपको पता है कि उस जमाने में ना कोई ज्यादा फैसिलिटीज थी ट्रैवलिंग की, और बड़ी मुश्किल से पीर सब्ज अली अपने डेलीगेशन के साथ वहां पहुंचते हैं, और जब उधर पहुंचते हैं तो वो जमात वहां की उनसे मिलते ही इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि पीर सब्ज अली का इतना
इतनी खुशामदीद कहती हैं उनको और इतने इतनी खिदमतें करती हैं इनकी डेलीगेशन की, इनके लोगों की। और जिस दिन जो दिन होता है जिस दिन पीर सफजली को अपना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैह का फरमान सुनाना होता है, उस वक्त वो जमात जो है उसमें एक एक बंदा, मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा, हर कोई जार जार रोने लगता है। और वो रोने की वजह ये पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं, मैं फरमान सुना रहा हूं इमाम का और मैं आपको, ये तो खुशी की बात है, आप लोग रो क्यों रहे हैं? तो ये सब लोग कहते हैं कि मिशनरी साहब, हम रो इसलिए रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम दुखी हैं, इसलिए कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं और अपने खुशी का इजहार अपने आंसुओं के जरिए अपने मौला को कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं कि तकरीबन 1000 साल गुजर गए हैं लेकिन हमारे पास ना इमाम, ना हमने कभी इमाम को देखा। हमारी जेनरेशंस गुजर गई, हमारी पुश्तें गुजर गई, ना हमने कभी इमाम को देखा, ना हमने कभी, देखने की दूर की बात, लेकिन हमने इमाम का फरमान तक हम तक मयसर नहीं हुआ। और आज जब आपने इमाम का फरमान हमें सुनाया और आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम रोए ना, यकीनन हम रोएंगे, क्योंकि ये तो हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ी एजाज की बात है। पीर सफजली आगे लिखते हैं, और ये एक्चुअली बात पीर सफजली अपनी किताब मध्य एशिया नी रसीक विगतो, एक किताब है, उसके अंदर ये पूरी कहानी को लिखते हैं। और ये किताब, ये कहानी हमारी IAS सेकेंडरी करिकुलम के अंदर भी प्रिंट की हुई है, और एंथोलॉजी ऑफ इस्माइली लिटरेचर के अंदर थोड़ी डिटेल में भी बताई गई है। तो पीर सफजली फरमाते हैं, आगे लिखते हैं, अपने एक्सप्रेशंस मेंशन करते हैं कि क्या डिवोशन है, क्या अकीदतमंदी है इस जमात की, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें। तो इस बात को, इस स्टोरी को अगर हम थोड़ा सा आगे लेके चले और उस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें कि ये रिश्ता क्या है, ये ऐसा कौन सा रिश्ता है जो हमें हमारे इमाम के साथ बांध कर रखा हुआ है। आप सोचे उस मौलाइज जमात में जिसके ऊपर सोवियत यूनियन का असर था, और उस जमाने में जो उस पूरे खत्ते के अंदर, उसके पूरे नॉर्थ के खत्ते के अंदर जितनी भी जमातें होती थी सेंट्रल एशिया के अंदर, वो उस वक्त USSR के अंदर में थी, और सोवियत रिजीम की इतनी ज्यादा रिप्रेशंस उसके ऊपर थी उस खत्ते के ऊपर कि आप खुलेआम जो है अपने मजहब को, अपने तरीके को प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते थे। जब आप वो नहीं कर सकते थे तो आप किस तरह से अपने मजहब की प्रैक्टिस करते हैं, और किस तरह, किन फॉर्म्स को आप अपनाते, क्या रसूमात अगर आप अदा करते हैं। लेकिन फिर भी वो जमात जुड़ी हुई थी एक दूसरे के साथ, यूनाइटेड थी अपने एक दूसरे के साथ, और इमाम को देखे बगैर, इमाम का दीदार किए बगैर, इमाम के फरामीन से भी कभी कभार बहुत सारे खत्ते में, जिस तरह इस रेशम की जमात ने तो उस इमाम का फरमान भी नहीं सुना था, और फिर भी इमाम से इतनी मोहब्बत, इतना प्यार और इतनी इतनी अकीदतमंदी, वो ये रिश्ता कौन सा रिश्ता है, ये समझने की हम कोशिश करें। तो इसका जवाब जो है हम थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करने की बजाय मैं थोड़ा सा समझूंगा कि मैं इमाम हमारा इस्माइली कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रियम्बल, उसके अंदर बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो इसको बयान किया गया है। तो मैं सोचा था कि अगर मैं उसको थोड़ा सा पढ़ दूं और तो हमें पता चलता है कि ये जो रिश्ता है, ये जो बंधन है, ये हमारे इमाम के साथ कैसा है। तो अगर आप ये देखें स्क्रीन पे, इस पे लिखा है कि द अथॉरिटी ऑफ द इमाम इन द इस्माइली तरीका इज टेस्टिफाइड बाय बैया बाय द मुरीद टू द इमाम व्हिच इज द एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द मुरीद ऑफ द परमानेंट spiritual bond between the imam and the murid, permanent spiritual bond by the act of baya। यानी ये बताना चाह रहे हैं कि जो इमाम की अथॉरिटी है हमारे इस्माइली तरीके में, उसका सबूत जो है वो किस तरह टेस्टिफाई होती है, वो बैया से टेस्टिफाई होती है जब हम बैयत करते हैं इमाम के साथ,
जब एक बच्चा पैदा होता है उसको उसकी बैयत जब इमाम के हुजूर में करते हैं, वो उसकी जब बैयत कम करते हैं इमाम की, जब हम उसकी एक्सेप्ट करते हैं इमाम की इमामत को, इमाम मुरीद रिलेशनशिप को, तो वो दरअसल हम एक परमानेंट स्पिरिचुअल बॉन्ड को टेस्टिफाई करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। अब वो परमानेंट स्पिरिचुअल बॉन्ड आपने देखा लाल में लिखा हुआ है, इसकी वजह यह है कि यही वो एलिजियंस है जिसमें आगे कहा जाता है, दिस एलिजियंस यूनाइट्स ऑल इस्माइली मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड इन देयर लॉयल्टी डिवोशन एंड ओबीडियंस टू द इमाम विद इन द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यानी ये तमाम इस्माइलियों को, तमाम इस्माइली मुस्लिम्स को ये परमानेंट स्पिरिचुअल बॉन्ड अपने इमाम के साथ जो है, और इसकी वजह से जो हमारी अलीजियंस है इमाम के साथ, हमारा जो ताल्लुक है, हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो सबमिशन है इमाम के साथ, वो वर्ल्ड वाइड हमारी लॉयल्टी, हमारी वफादारी, हमारी डिवोशन और हमारी इमाम को, इमाम के साथ हमारी फरमान बरदारी ओबीडियंस की सूरत में एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एक आलमी ब्रादरी की सूरत में जो है वो नजर आ रहा था। तो ये थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव था इस बॉन्ड को एक्सप्लेन करने का। सुंदर, थैंक यू सो मच शम सर। जैसे हमने सुना कि जो स्पिरिचुअल बॉन्ड है ये बहुत परमानेंट नेचर का है और ये हमारे स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए जरूरी है, हमारे रूह से जुड़ जाता है। लेकिन इस बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो एक इस्माइली मुरीद का उनके इमाम अलैह सलाम से ये बॉन्ड को वो कैसे समझ सकते हैं? मतलब ये तो समझ में आ गया कि ये बॉन्ड है, लेकिन मेरा अपने इमाम जमान के साथ किस तरह का बॉन्ड है, मैं उसे कैसे समझूं? और मतलब डेफिनेटली हम सबकी अंडरस्टैंडिंग वेरी कर सकती है। हम शुरू से इस चीज़ को बहुत एक्सप्लिसिटली बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो बॉन्ड है ये इंडिविजुअल है, ये बॉन्ड जो है वो इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग, उनके एक्सपीरियंस पे बेस करता है। लेकिन फिर भी एक इस्माइली मुरीद किस तरह से इस बॉन्ड को समझने में अपना और मतलब थोड़ी देर के लिए मैं, आप सब लोग जो है अपनी आंखें बंद करते हैं और थोड़ा सा सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, हु एम आई की एक्सरसाइज करते हैं। अगर मैं अपनी आंखें बंद करके सोचूं और मैं सोचूं कि मैं कौन हूं, तो फौरी तौर पे मेरा जवाब आएगा कि मैं शम्स हूं। लेकिन अगला सवाल यह आएगा कि जनाब ये तो आपका नाम है, आप कौन हैं? यानी मैं कौन हूं? अच्छा, मैं जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं स्टूडेंट हूं और फला फला फला। ये तो आपका प्रोफेशन है, ये तो मेरा ऑक्यूपेशन हुआ, मैं कौन हूं? जी मैं एक बाप हूं, एक माँ हूं, एक बेटा हूं, एक बेटी हूं। ये तो आपका रिश्ता है, लेकिन मैं कौन हूं? अब थोड़ी देर के लिए इसको पार्क करते हैं साइड पे और थोड़ा सा सोचते हैं कि अगर मुझसे मेरे हाथ ले लिए जाए, क्या मैं फिर भी एग्जिस्ट करता हूं? आप कहेंगे यकीनन मैं, आप बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। चले मेरे मेरे हाथ के साथ मेरे आप पैर भी ले लीजिए, क्या मैं एग्जिस्ट करता हूं? डेफिनेटली मैं बिल्कुल करता हूं। थोड़े और आगे चलते हैं, आप हाथ पैर क्या, बल्कि आप ऐसा करें कि मेरी पूरी तमाम बॉडी पार्ट्स आप ले लीजिए, उस वक्त मैं एग्जिस्ट करता हूं या नहीं करता हूं? जो मैं हूं वो मैं एग्जिस्ट करता हूं या नहीं करता? शायद जवाब हाँ में होगा अभी तक। चलिए ऐसा करते हैं कि आप मेरे जज्बात ले लीजिए, जितने भी मेरे जज्बात हैं, जितनी भी मेरी इमोशंस हैं, वो सब ले लीजिए, क्या मैं एग्जिस्ट करता हूं? Yes. शायद जवाब अभी तक हाँ में ही होगा। बिल्कुल। मेरे थॉट्स ले लीजिए, जो मैं सोचता हूं, थॉट्स आपने ले लिए, मेरी मेमोरीज ले लीजिए,
जो कुछ भी मेरे दिमाग में है, मेरे ब्रेन में मेरी मेमोरीज हैं, वो सब ले लीजिए। क्या मैं एग्जिस्ट करता हूं? अगर जवाब हाँ है, जैसे आपने यस कहा, तो फिर वो मैं कौन हूं? वो मैं क्या हूं? ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है सुंदर, लेकिन ये इसमें एक गहरा सबक है, और वो ये है कि ये हमें इंस्पायर करता है हमारी अपनी पर्सनल सर्च की तरफ गामजन होने को, और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि फिर उस वक्त वो मैं कौन हूं। तो एक फ्रेंच फिलोसोफर है पियर टिलहर दे चार्डन, वो कहता है कि बड़े खूबसूरत अंदाज में वो अपनी बात को समझाता है कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स हैविंग अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बट अ स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। काफी दफा हमने ये बात सुनी होगी कि हम वो इंसान नहीं है जो कभी कभार यू नो फॉर चेंज स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से गुजर लेते हैं, लेकिन हम दरअसल रूहानी जिंदगी है, हम रूहानी बीइंग है, हम एक स्पिरिचुअल बीइंग है जो इंसानी तजर्बे से गुजर रही है। और जब हम ये कहते हैं तो उस वक्त सवाल यह आता है कि इंसानी तजर्बे से गुजर रही यानी एक जर्नी है, यानी मैं जो वो मैं हूं जिसको आप कोई भी नाम दे देते हैं, सोल दे देते हैं, स्पिरिट दे देते हैं, अलग अलग मजाहिब के अंदर अलग अलग नाम दिए गए हैं उसको, वो जो मैं हूं वो एक जर्नी से गुजर रहा हूं। और उस जर्नी के अंदर बड़ी खूबसूरत ये आयत मुझे लगती है, जो जब कभी भी कोई फौत हो जाता है उसके लिए हम ये आयत सुनाते हैं, पढ़ते हैं ये आयत, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यकीनन हम अल्लाह से आए हैं और अल्लाह की तरफ हमें लौट के जाना है। ये जो आयत है, ये आयत हमें इसी जर्नी के बारे में याद दिलाता है कि मेरा आना खुदा से एमिनेंट हुआ हूं और मुझे जाना खुदा की तरफ है। तो वो जो मेरी जर्नी है खुदा की तरफ जाने की, उस जर्नी में मैंने क्या करना है कि मैं अपनी जर्नी के उस पाथ पे रहूं ताकि मैं उस अपने असल मकाम तक पहुंच सकूं, और इस दुनिया से जो कि इस जर्नी का छोटा सा हिस्सा है उस जर्नी से गुजर सकूं, इस दुनिया से कामयाबी के साथ सुकून से बगैर कुछ मसला किए और आराम से उस जर्नी से गुजर सकूं, और मजीद और भी जर्नीज के माइलस्टोन से गुजरता हुआ मैं फिर खुदा तक पहुंच सकूं, अगर इसको सिंपल अल्फाज में हम समझने की कोशिश करें तो ऐसे में मुझे यकीनन एक लॉजिकल बात लगती है कि एक आम आदमी को लगेगा कि इसमें कोई तो होगा जो मुझे गाइड करे, जो मेरा हाथ पकड़े, जो मुझे मुझे इंस्पायर करे, मुझे मोटिवेट करे, मुझे ट्रैक पे रखे और मुझे थोड़ा सा टीचिंग करे, मुझे तालीमात से नवाजे, मुझे नॉलेज से नवाजे, मुझे इल्म से नवाजे और मुझे समझाए कि क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि मैं तो इस ह्यूमन फॉर्म में इस वक्त हूं, मुझे नहीं पता कि मैं मेरे से क्या गलतियां हो जाएंगी, मुझे नहीं पता कि मैं अपने इनोसेंस के अंदर क्या मिस्टेक्स कर जाऊंगा, क्या एरर्स कर जाऊंगा, मिसगाइड हो जाऊंगा इस दुनिया से, बहुत सारी बुराइयां हैं। तो क्या ये जो दुनिया के जो टेम्पटेशंस हैं, दुनिया में जो 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 यहाँ के प्रेशर्स हैं, यहाँ के जो स्ट्रेसेस हैं, यहाँ के जो मुसीबतें हैं, यहाँ के जो जो मसाइल हैं, उनसे अगर मुझे एक ऐसी हस्ती अगर मेरा हाथ पकड़े और मुझे समझाए कि भाई शम्स आपको इस रास्ते से गुजरना है, आपको इस तरह से ये पर्सपेक्टिव के साथ दुनिया गुजारते हो, जिंदगी गुजारते हो, अगर आप इस प्रिंसिपल इन प्रिंसिपल्स के साथ अगर आप जिंदगी गुजारते हो तो आपके लिए बेहतर रहेगा एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि आप इस ह्यूमन एक्सपीरियंस से गुजर रहे हो इस वक्त। तो आपके सवाल की तरफ अगर मैं दोबारा आऊं, थोड़ी सी लंबी तमीद होगी लेकिन ये जरूरी था कि हम
एज अ स्पिरिचुअल बीइंग जो कि ह्यूमन एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं, हमें एक गाइड की जरूरत है, एक अथॉरिटी की जरूरत है, जो हमें एक कोच की जरूरत है, एक टीचर की जरूरत है जो हमें गाइड करे कि क्या सही है और क्या गलत है। और यहां पर शिया इस्माइली मुस्लिम के नाते हमारा ये कॉन्सेप्ट है, हमारा बिलीफ है, हमारा अकीदत है कि हमारे जमाने के इमाम ये रोल प्ले करते हैं। और जब जमाने के इमाम ये रोल प्ले करते हैं तो हम उसकी उसकी उसका एविडेंस हम कुरान पाक में भी देखते हैं, जब अल्लाह ताला उसमें फरमाते हैं कि वकुल शईन अहसैनहू फी इमाम मुबीन, हमने तमाम चीजें इमाम जाहिर की जात नूर में समो दी है, ठीक है ना। तो ये एक इस्माइली मुरीद के नाते जो है ये इंपॉर्टेंस रखता है, ये रिश्ता मेरे लिए कि मैं अपनी पर्सनल सर्च और इस दुनिया के अंदर अगर अच्छा इंसान बन के एक कामयाब और एक अच्छा एक एथिकल जिंदगी अगर मुझे गुजारनी है तो कौन मुझे गाइड करेगा, ये मेरा इमाम वो रोल प्ले करता है जो कि मुझे सबसे ज्यादा चाहता है इस दुनिया में। ये सबसे बड़ी बात है जो मुझे दावे के साथ कहता है कि मैं आपसे इतना प्यार करता हूं कि उतना प्यार आप मुझसे कभी नहीं कर सकते। तो ये 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 पर्सपेक्टिव लेते हैं अगर हम, तो हमें समझ में आता है कि ये रिश्ता माशाल्लाह कितना कितना पाकीज़ा और कितना खूबसूरत रिश्ता है और कितना मजबूत रिश्ता है। यस मैम, सॉरी। नहीं नहीं, डेफिनेटली जब हम परमानेंट स्पिरिचुअल बॉन्ड की बात करते हैं और हमने उसको देखा कि हम मटीरियल लाइफ को एक्चुअली एज अ जर्नी देखते हैं और स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक्चुअली हमारे लिए टाइमलेस है और हम हमेशा उसके साथ ही अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। और अगर हम सिंपल से ये देखें कि हम जब किसी कंट्री को ट्रैवल करने के लिए जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फिक्र ये होती है कि हमारे पास कुछ प्रीरिक्विजिट्स होनी ज़रूरी है, कुछ चीज़ें होनी चाहिए सो दैट हम वहाँ बहुत कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकें, उसको एक्सप्लोर कर सकें। और उसमें हमारे पास वीज़ा होता है, हमारे पास टिकट्स होंगे, लेकिन हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ द गाइड और द मैप जो कि हमें एक्चुअली गाइड करता है। और उस मैप को समझने के लिए फिर हमें सोचते वी मस्ट हैव अ टूर गाइड विद अस ताकि हम उसको बहुत कंफर्टेबली और इजीली एक्सप्लोर करें और देख सकें कि हम क्या क्या यहाँ देखने के लिए आए हैं। और फिर हम बहुत खुद भी सुकून में होते हैं कि यार समवन इज देयर फॉर अस और वो हमें अच्छी अच्छी जगह और सक्सेसफुली हमारे ट्रिप को कंटिन्यू करवाएगा। तो जब हम स्पिरिचुअल जर्नी की बात करते हैं, वो भी मटीरियल लाइफ में बात करते हैं, तो द रोल ऑफ इमाम वो बहुत इंपॉर्टेंट हमें नज़र आता है। और हमारे पूरे अकीदे में हमने इसको देखा कि किस तरह से इमाम का हमारे साथ रिलेशनशिप है और हम किस तरह से इस रिलेशनशिप में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, इसमें अपने आप इस बंधन में जुड़ते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बंधन है, ये जो ताल्लुक है, इसको मजबूत होते रहने की ज़रूरत होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वन टाइम हमने एट द टाइम ऑफ बर्थ इसको जोड़ लिया और हमने ये सोचा कि शायद ये हमेशा इसी तरह से रहेगा। और क्योंकि जब इंसान ग्रो करता है तो उसकी नीड्स, उसकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंटली ग्रो करती है और वक्त के साथ साथ इन अंडरस्टैंडिंग्स को भी स्ट्रेंथन होने की ज़रूरत होती है। तो इस रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको क्या लगता है, हम कैसे इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, वो कौन सी चीज़ है जिसको नर्चर करती है? बहुत 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 प्यारी बात बताई आपने सुंदर, थैंक यू। और ये एक्चुअली ये एक मौका देता है मुझे इस बात को एक्सप्लेन करने का। हमने अक्सर अगर हमें मौका मिला हो इमाम अली मुकाम की स्पीचेस को पढ़ने का और इमाम के थॉट्स जो इमाम अक्सर मुख्तलिफ फोरम्स पे अपनी अपने पर्सपेक्टिव्स शेयर करते हैं, और जब भी इमाम इस्लाम के बारे में बात करते हैं तो एक बात ज़रूर करते हैं इमाम, और वो ये करते हैं कि इस्लाम के अंदर दीन और दुनिया का जो कॉन्सेप्ट है, जो नोशन है, वो इनसेपरेबल है। इमाम इनसेपरेबल का मतलब ये कि जुदा ना होने वाला, यानी दीन को आप सिर्फ एक मखसूस टाइम के लिए महदूद नहीं कर देते कि जी 7 से 8 अब दीन का वक्त है और बाकी 24 घंटों में दूसरा टाइम जो है अब दुनिया का वक्त है, या फिर दीन जो है हम सिर्फ फ्राइडे या संडे को मनाएंगे बाकी दुनिया का टाइम है पूरे हफ्ते में, ऐसा नहीं है। हमेशा इमाम ने इस्लाम को जब भी पोजीशन किया है तो इमाम ने इस्लाम को इसी तरह एक्सप्लेन किया, और ये उसकी रूह है इस्लाम की कि दीन और दुनिया इनसेपरेबल है।
और उसको अगर इस फ्रेमवर्क में देखें, अगर दीन और दुनिया इनसेपरेबल किस तरह है, तो दीन दुनिया का एक फ्रेमवर्क है जैसे वर्टिकल रिलेशनशिप एंड हॉरिजॉन्टल। इसको अगर आप देखें कि मैं अगर ह्यूमन बीइंग हूं तो बिल्कुल नीचे लेफ्ट पे आप देखें ह्यूमन लिखा हुआ है, और मैं अगर मैं वो हूं तो मेरा मेरे खुदा से क्या ताल्लुक है, उस डिवाइन से जो ताल्लुक है, ठीक है, और उसके अलावा मेरा जो है वो मेरे फेलो ह्यूमंस के साथ क्या ताल्लुक है। यानी आप इस तरह समझें कि मेरा ताल्लुक खालिक से क्या है और मेरा ताल्लुक मखलूक से क्या है। अब मखलूक के अंदर हर चीज आ गई, पूरी यूनिवर्स आ गई, पूरी कायनात आ गई, ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर, चरिंद, परिंद, पेड़ पौधे, एनवायरमेंट, हमारी सोसाइटी, हमारे जो भी नेचर है, हर चीज आप सोचे वो आ गई। उसके साथ मेरा क्या ताल्लुक है और मेरा ताल्लुक मेरे खालिक के साथ क्या है। अब जो मेरे खालिक के साथ जो मेरा ताल्लुक है, तो यकीनन उस ताल्लुक में मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खालिक की तरफ है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी मेरे फेलो ह्यूमन बीइंग्स और उस मखलूक के साथ क्या है जो खालिक की मखलूक है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए पार्क करते हैं और इसको हम वापस देखेंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन अब आपने 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 जो फरमाया सुंदर के इस रिश्ते को हम किस तरह से स्ट्रेंथन करें। अब इस रिश्ते को स्ट्रेंथन करने के लिए सबसे पहले तो ये कि देयर इज नो मैजिक वॉन्ड, इट्स अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है, कोई भी रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एक प्रोसेस है। लेकिन उस प्रोसेस के अंदर उस जो जब भी हम अपने जब किसी चीज को स्ट्रेंथन करते हैं, किसी आप इन्वॉल्व होते हैं, आप आम दुनिया के रिलेशनशिप को देखें तो दुनिया में रिलेशनशिप के अंदर जब भी हम इन्वॉल्व होते हैं, हमारे माँ बाप हो या हमारे भाई बहन हो, मियां बीवी हो, पेरेंट्स और बच्चे हो, तो उसके अंदर एक बॉन्ड है ऑफ कोर्स, जो जिस बॉन्ड की हम बात करते हैं। लेकिन उस रिलेशनशिप की जो बुनियाद है वो किस पे है, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पीर शहाबुद्दीन शाह दरअसल इस इमाम मुरीद रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने की जो वजह बताते हैं, जो उसकी बेसिस बताते हैं, वो समझने की जरूरत है। तो अगर आप देखें वो फरमाते हैं कि आपका जो आपकी जो जिंदगी है, आपका जो ईमान है, वो एक दरख्त की मानंद है और उसकी जो जड़ है वो इश्क है। अब इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देखें एक दरख्त ले रहे हैं और लिटरली पीर शहाबुद्दीन शाह ने इस दरख्त को किस तरह फलना फूलना है और किस तरह से उसको फलता फूलता है वो पूरा डिटेल में समझाया भी है। एक दरख्त है, आप देखें कि एक दरख्त, एक स्ट्रॉन्ग दरख्त की क्या क्वालिटीज होती है। तो यकीनन आप कहेंगी कि उसकी ब्रांच ब्रांचेस बहुत स्ट्रांग होती है, उसके लीव्स हरे, उसके हरे पत्ते होते हैं, उसके अंदर फल फूल होते हैं और वो देखने से ही लगता है कि वो माशाल्लाह इतना खूबसूरत लगता है और उसमें ये काबिलियत भी है कि वो दूसरों को साया भी देता है और उसके फल फूल से दूसरे फैज हासिल भी करते हैं, ठीक है। तो ये एक खूबसूरत और एक अच्छे मजबूत दरख्त की निशानी है। लेकिन वो दरख्त अगर उसकी जड़ें, और ये साइंस है, नॉर्मल साइंस है, सबको पता है, उसकी जड़ें अगर कमजोर हो तो क्या होगा, जरा सी भी आंधी आएगी या तूफान आएगा वो दरख्त गिर जाएगा। उसके पौधे, उसके जो लीव्स हैं, उसके जो पेड़, उसके जो पत्ते हैं या उसके जो फल है, वो इतने अच्छी तरीके से निखरेंगे नहीं। इसका मतलब वो दरख्त सिर्फ खुद के लिए ही सही नहीं है बल्कि दूसरों के लिए भी सही नहीं है। तो जरूरत इस अमल की है कि उसके जो रूट्स है वो मजबूत हो। अब वो रूट्स जो है वो मजबूत कैसे हो, जब उसको प्रॉपर पानी दिया जाए, उसको प्रॉपरली नरिश किया जाए, उसको सनशाइन मिलती है, जब वो पौधा उगता है तो उस वक्त से उसको सनशाइन प्रॉपरली मिलती है, तो वो रूट्स अंदर जमीन में अपनी जगह बनाते हैं। हम कहते हैं ना कि इसकी जड़ें बड़ी मजबूत है, इस दरख्त की जड़ें बड़ी मजबूत है, वो क्या क्यों है, वो इसलिए क्योंकि वो गहराई तक जाके उसने अपनी अपनी जगह बनाई है, आपको जामित किया है। और उसको पीर शहाबुद्दीन शाह ने इश्क का नाम दिया।
उसको लव का नाम दिया। जैसे इकबाल फरमाते हैं ना कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं, और कुछ नहीं है बस वो जड़े ही है। पेशाबुद्दीन शाह फरमाते हैं कि अगर जड़े मजबूत है तो सब कुछ मजबूत है, अगर जड़ ही मजबूत नहीं है तो आप कुछ भी कर ले, आपका जो दरख्त है जिसको उन्होंने ईमान का नाम दिया, जिसको उन्होंने फेथ का नाम दिया, आप कुछ भी कर ले वो उस तरह नहीं निखरेगा जिस तरह आप चाहते हैं। तो आपका सवाल कि इस रिलेशनशिप को, इस बंधन को, इस बॉन्ड को जो हमारे इमाम के साथ है उसको मजबूत कैसे करें, वो इस मिसाल के जरिए हम समझने की कोशिश करें कि हमें अपनी जड़ों को मजबूत करने की जरूरत है। जी सर, जब हम बात करते हैं कि ये जो सबसे अहम चीज है या जो सबसे अहम एहसास है जो हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है, उसको नर्चर करता है, तो वो मोहब्बत है। और जब हम मजहब में देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो मजहब है वो मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं है। और इसको इमाम जाफर सादिक अलैह सलाम भी इसी तरह से बहुत खूबसूरती से बताते हैं। और मुझे वो फिर से एक कोट याद आ रहा है जो कि इमाम अलैह सलाम ने जो है उनके पास जब एक शख्स तशरीफ लाए थे और उन्होंने पूछा था कि दीन क्या है, तो बहुत खूबसूरती से इसी बात को जवाब देते हैं कि दीन मोहब्बत के सिवा क्या है, या दीन मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं है। तो ये जो मोहब्बत है ये फाउंडेशंस हैं, ये एहसास हैं। और ये हम सब जानते हैं कि ये जो मोहब्बत का रिश्ता है ये दो तरफा है, म्यूचुअल लव है। और ये हमने पीछे देखा भी कि इमाम अलैहि सलाम कहते हैं कि ये म्यूचुअल लव है, दोनों तरफ से इस मोहब्बत की बात हो रही होती है। और तभी जाके ये रिश्ता जो है, ये जो बंधन है, ये जुड़ता है, मजबूत होता है और उस दरख्त की तरह बनता है और वो ग्रो करता है। लेकिन सिर्फ मोहब्बत होना इस रिश्ते के लिए काफ़ी है, या हमें इसको एक्सप्रेस करने के भी डिफरेंट तरीके नज़र आते हैं? हम सिर्फ जब इमाम से या इमाम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की बात करते हैं तो इट वुड बी इनफ के मैं बहुत मोहब्बत करते हूँ अपने इमाम अलैहिस्सलाम से और ये काफ़ी हो जाएगा, और मैं हमेशा ऐसा ही फील करूँ कि नहीं मैं तो बहुत ज़्यादा इमाम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करती हूँ, या मुझे उसको एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है? और अगर ज़रूरी है डेफिनेटली ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो कैसे उसको एक्सप्रेस किया जाता है, वो क्या फाउंडेशंस होती हैं, वो क्या फ्रेमवर्क्स होते हैं, वो किस तरह से एक्सप्रेस होता है, आपको क्या लगता है? नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने, और ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि ज़ाहिर मोहब्बत जो है वो इस तरह से तो नहीं हो सकता कि हम आँख बंद करके बस अपने इमाम से ये कहते रहें कि मोहब्बत मोहब्बत मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरा ईमान मजबूत है बस मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। इसका एविडेंस क्या है? प्रूफ इज इन द पुडिंग। इसका एविडेंस क्या है और इसका इसको इसका एक्सप्रेशन क्या है और इसको हम कैसे कैसे पता चले हमें कि हमारी मोहब्बत इमाम से स्ट्रॉन्ग है और मजीद और स्ट्रॉन्ग हो सकती है? तो इसका मैनिफेस्टेशन जो है वो मैं छोटी सी एक कहानी से स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर एक शख्स अपने उस्ताद के पास जाता है, वो बड़ा सूफी उस्ताद है, और वो कहता है कि मुझे अपने मजहब में और अपने तरीके में जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना है, और मुझे बहुत बेहतरीन काम करना है, और मुझे बस घर बार और ये सब कुछ छोड़ देना है, दीन दुनिया सब कुछ छोड़ देना है, और बस मुझे अपना मुझे बस खुदा की राह में निकल जाना है, मुझे कोई तरीका बताइए। तो वो उसका उस्ताद उसको कहता है काम करो, तुम मेरे पास कल आओ, आज नहीं कल आओ फिर बात करते हैं। वो अगले दिन जाता है, वो कहता है कि क्या हुआ जनाब आप मुझे बताइए। वो उसको कहता है कि एक काम करो, सूरज निकला हुआ है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है सूरज, सूरज की तरफ तुम मुसलसल देखने की कोशिश करो, बिल्कुल एक आंख से सूरज को देखो। और वो शख्स जो है वो सूरज को देखता है और बोलता है कि जब तक मैं ना कहूं उस सूरज से अपनी आंख मत हटाना। वो देख रहा, थोड़ी देर के बाद उसे बर्दाश्त नहीं होता, वो कहता है उस्ताद अब मुझे लगता है मेरी आंखें हटानी पड़ेंगी वरना मैं ये सूरज जो है मुझे अंधा कर देगा। वो कहता है ठीक है आंखें हटा लो वहां से। वो पूछता है क्या मतलब है, मैं आपके पास इल्म और हिकमत मांगने आया हूँ, मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि मुझे मजहब के ऊपर अमल करना है, अपने पूरे खानदान को छोड़कर आया हूँ, अपने पूरी माशरे को छोड़कर आया हूँ, और आप मुझे सूरज के एक्सरसाइज पे लगा रहे हो। तो उसको कहता है देख भाई
तूने सूरज को देखा, अब तू आसपास देखने की फौरन से कोशिश कर। तो कहता मुझे आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि सूरज की रोशनी ने मुझे बिल्कुल अंधा कर दिया है। वो उसको ये कहता है कि तुम्हारी मिसाल भी ऐसी ही है, तुम अपने आप को सूरज के सामने देखते हो, सूरज की रोशनी से फैजियाब होने के लिए सूरज की तरफ अगर मुसलसल देखते रहोगे तो वो उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। सूरज की रोशनी से अगर तुम्हें फैजियाब होना है, सूरज की रोशनी से अगर तुम्हें अपने आप को एनलाइटन करना है, तो इस सूरज की रोशनी जिन चीजों पे पड़ रही है उन चीजों को देखो और उनसे इंस्पिरेशन हासिल करो। इसी तरह अगर हमें खुदा की मोहब्बत में अपने आप को सबमिट करना है, तो खुदा की जो मखलूक है, अगर दोबारा से अगर उस दीन और दुनिया के फ्रेमवर्क की तरफ आते हैं, उस स्लाइड की तरफ अगर हम आए दोबारा, तो उसमें हमारा यही है कि हमारा जो रिश्ता है अपने खुदा के साथ, हुकुकुल्लाह हुकुकुल इबाद, अल्लाह की तरफ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके मखलूक की तरफ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जैसे इमाम ने फरमाया कि दीन और दुनिया इनसेपरेबल है, दे आर बोथ इंटरट्वाइंड। इमाम ने एक दफा फरमाया इंटरट्वाइन का मतलब मिले जुले हैं, इसको आप आपस में अलग नहीं कर सकते हो। तो जब मैं खुदा की इबादत और बंदगी करता हूं, अगर मैं खुदा की इबादत और बंदगी करूं तो एक तो हो गया मेरा जिक्र और मेरी तस्बीहात, मैं मेरी रोजमर्रा की मजहबी प्रैक्टिसेस जो मैं अंजाम देता हूं उस तरीके से मैं अपने खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं ये कहूं कि मेरी जिम्मेदारी इस दुनिया की तरफ कुछ भी नहीं है, तो मैं शायद इस बंधन को, इस स्पिरिचुअल बॉन्ड को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, इस स्पिरिचुअल बॉन्ड को पूरा नहीं कर रहा हूं। आपने जो सवाल किया कि इस लव को हम कैसे एक्शन के अंदर डालें, मैं उस लव को एक्शन में नहीं डाल रहा हूं। दैट मीन्स कि वो रूट मजबूत नहीं हो रही है कहीं पर। वो जो रूट है, वो जो जड़ें हैं इश्क की, लव की, वो मजबूत नहीं हो रही अनलेस एंड अंटिल मैं दीन और दुनिया दोनों के अंदर बैलेंस करता हूं। बिकॉज मेरे इमाम ने मुझे सिखाया है कि दीन एंड दुनिया आर इनसेपरेबल, इन दोनों को मुझे मिलाकर और एक साथ एक एक पर्सपेक्टिव में देखते हुए मुझे जो है उसको एक्शन में लाना है। आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। बिल्कुल, कि जब हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो आपने बहुत खूबसूरती से बताया कि जो ये हमारा फ्रेमवर्क है हमारा मजहब में, कि हम एक रिश्ता अपने खुदा से जोड़ते हैं तो उसी रिश्ते की वजह से हम दूसरा रिश्ता अपने इंसानों से, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से जोड़ते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको समझें कि हमारी दोनों तरफ जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों के साथ हमें अपने इस रिश्ते को मजबूत करना है। अब वो रिलेशनशिप जो कि खुदा की कायनात से जोड़ते हैं, उसकी तख्लीक से जोड़ते हैं, उसके मखलूक से जोड़ते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि एथिकल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें रास्ता देता है, हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि हाउ टू बी एन एथिकल पर्सन। तो डू यू थिंक कि जो लव का रिलेशनशिप है ये और स्ट्रेंथन कर रहा होता है हमें एथिकल लाइफ को लीड करने के लिए? आप देखें सुंदर, बहुत 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया आपने। इसमें इसमें यह है कि अगर मैं अपने इमाम से क्या, बल्कि फिजिकल रिलेशनशिप के अंदर भी अगर आप देखें, अगर मैं किसी के साथ मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, तो उसमें सबसे पहली चीज मेरी क्या ख्वाहिश होगी कि मैं उसकी पूरी करूँ। यानी मैं ये चाहूंगा कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वो जो चाहता है उसको मैं पूरा करूं, उसकी ख्वाहिश को मैं पूरा करूं। पहली बात तो यहां ये आ गई। और लेकिन फिर मैं लॉजिकली सोचू भी और उसको थोड़ा सा इवैल्यूएट भी करूं, असेस भी करूं कि उसकी जो ये ख्वाहिश है वो जायज भी है कि नहीं। और अगर वो जायज है तो मैं उसको देखूं कि वो कितने हद तक जायज है और क्या वो मेरी जिंदगी में क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। तो अगर मैं उसको इस टेस्ट के बाद भी ये चेक कर लूं कि ठीक है ये मेरी जिंदगी में बहुत इनॉर्मस लेवल पे इम्पैक्ट डालता है, तो फिर मैं वो जो कहता है वो क्यों ना करूं। तो इसी तरह आपने कहा कि हाउ कैन माई लव फॉर माई इमाम
enable me to be an ethical person. Absolutely, it does. But before this, let's listen to in Imam's words. Okay, Imam, kya chahte hain apni jamaat se? और ये इमाम ने अपने 80th बर्थडे लीडर्स को जब एड्रेस किया था और ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखी है यकीनन, तो इसका एक छोटा सा क्लिप मैं चाहता हूँ कि अगर हम दिखा सकें जमात को तो ये बहुत बेहतरीन रहेगा, और जिसमें इमाम क्या बताते हैं उसके ऊपर फिर हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं. The Jamaat is likely to become more and more a global community. But the essence of the Jamaat, the ethics of our faith, the principles which we believe in and which we seek to practice in our lives, are the essence of how our community will stay united even though it becomes more and more globalized over the years. So I say to the leaders of the Jamaat who are here this evening that my wish for the decades ahead is that you stand firmly by the principles and the ethics of our faith. Wherever you are, whatever age you are, whatever you do in your lives, it is essentially important to me that the principles of our faith should be respected every day of your lives. This is my hope. And this is my prayer. This is my hope and this is my prayer. क्या hope और prayer है? जिसको मैं सबसे ज्यादा इस दुनिया में प्यार करता हूँ, उसकी hope और prayer क्या है? उसके 80th birthday पे वो क्या बताते हैं जमात को? कि आप अपने principles of faith में strong रहें, ethics of faith में strong रहें. और वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इस बंधन को और strong करना चाहते हैं तो हमें उस दीन और दुनिया के फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करना होगा. या ना सिर्फ वर्टिकल रिलेशनशिप कि जी हम सिर्फ खुदा से अल्लाह अल्लाह करते रहे और दुनियादारी की कोई फिक्र नहीं है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इस दुनिया की तरफ उसकी कोई फिक्र नहीं है, वो नहीं चलेगा. इस्लाम इज द रिलीजन जिसमें दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस करके चलना जरूरी है. या हजीमाम एथिक्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस बड़े कंपोनेंट को अपनी लाइफ में इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते. हम अगर ये कहें कि मेरा ईमान बहुत मजबूत है मौला, मैं तेरे लिए जान दे सकता हूं, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं मेरे जैसा गुनहगार आदमी अगर ये कहे मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूं लेकिन मैं बस, बहुत टेम्पटेशन हो जाती है जब किसी की बुराई करने का दिल चाहता है या जब किसी के बारे में कुछ ऐब गोई करने का दिल चाहता है. बहुत टेम्पटेशन हो जाती है कि मैं जल्दी से जो है कंप्लेनिंग मोड में आ जाऊं कि मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, ये तमाम चीजें अगर मैं करना शुरू कर दूं तो ये मैं अब प्रिंसिपल्स ऑफ फेथ को जो है शायद जस्टिफाई नहीं कर पा रहा. और एथिक्स मोरल, एथिक्स मॉरल्स और ये तमाम चीजें जो वो इन्हीं चीजों में आती है कि मैं अपने आप को एथिकली कितना लिटरेट करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एथिकली कितना लिटरेट करता हूं. और हम सब जानते हैं इखलाकियात क्या है, एथिक्स क्या है. एथिक्स को एक ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है लेकिन हम इस चीज को समझने की कोशिश करें कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी डेली लाइफ के अंदर एवरी टाइम कॉन्शियसली अगर ये सोचते हैं ना कि मैं आज मुझे अच्छाई करनी है, किसी का भला करना है, सेवा करनी है या खिदमत करनी है या छोटी हो या बड़ी हो या कुछ भी हो, और इस पर कई सेशंस भी हो चुके हैं हमारे, मुझे ये सोचना भी और ये एक्ट करना भी उस रिलेशनशिप को मजबूत करने की तरफ एक कदम है और ये मजीद आहिस्ता आहिस्ता उस रिलेशनशिप को और मजबूत करता है. बिल्कुल, मुझे भी इमाम अलैहि सलाम की वो स्पीच ऐसे ही दिमाग में, कहते ना, जहन में घूमने लगी कि जिसमें इमाम अलैहि सलाम ने फरमाया था कि ये जो दुनिया है ये हमें मतलब अमानतन दी गई है और इसको बेटर करके रिटर्न करना हम सब की जिम्मेदारियों में से एक है. तो डेफिनेटली जो रिलेशनशिप है ना, यहाँ से नजर आता है कि जिस शख्सियत से हम इतनी मोहब्बत करते हैं तो उसकी दी हुई टीचिंग्स को और उसकी ख्वाहिशात को हम मद्देनजर रखें और अपना रोल प्ले करें. लेकिन जब हम बात करते हैं शमसर के जो दुनिया है,
हम इसमें रहते हैं, डेफिनेटली मटीरियल लाइफ है और इसके अपने प्रेशर्स हैं और ये हमें बहुत हद तक मुतासिर करते हैं। और अगर हम बहुत रिसेंट एग्जांपल की तरफ जाएं जो कि COVID-19 हमारे सामने रही, इसलिए इसको रिलेट करना आसान है कि इसने बहुत हद तक लोगों की ज़िंदगी की क्वालिटी को मुतासिर किया है, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे फिर इमोशनल हो, मेंटल इलनेस के इश्यूज हमें लोगों में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन दैट डिफिकल्ट टाइम आपको क्या लगता है जो परमानेंट स्पिरिचुअल बॉन्ड है हमारा, हमें कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमें किस तरह से जो है इन चीज़ों को कोप करने की हिम्मत देता है, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि आज के चैलेंजिंग टाइम्स के अंदर जो अनप्रेसिडेंटेड डिफिकल्ट टाइम्स हैं आज के, और ऐसे टाइम में इस बॉन्ड को कैसे नर्चर किया जाए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो अगेन मैं थोड़ा सा स्टेप बैक करूंगा लव की तरफ, इश्क की तरफ, उस पर्सपेक्टिव की तरफ, वहां से एक और पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। और वो ये है कि हमेशा अपने आप को एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन के अंदर महसूस करना कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, यानी कहते हैं ना कि किसी ने मैंने कहीं पढ़ा था कि खुदा से ये ना कहो कि मेरे पास मुसीबतें हैं, मुसीबतों को ये कहो मेरे पास मेरा खुदा है। तो ये पर्सपेक्टिव को जो है ना 180 डिग्री चेंज कर देता है, वो इसलिए क्योंकि आप सेंस ऑफ प्रोटेक्शन फील करते हो। जैसे कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने अपने आप को रहमान और रहीम के नाम से मुखातब किया है। तो अगर आप ये देखें रहमान और रहीम, और स्लाइड में देख रहे हैं कि उसका जो रूट वर्ड है वो रहम है, और रहम को एक मीनिंग रहम का अरबिक के अंदर मदर्स वूम्ब, यानी वूम्ब माँ की कोक भी जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है। यानी जब आप रहम के कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो पूरी यूनिवर्स है, इज बियॉन्ड दिस यूनिवर्स इवन, जो खुदा की जो हस्ती है वो इटसेल्फ मदर्स वूम है, क्योंकि वो अपने आप को रहमान और रहीम कहता है। और जब आप ये सोचते हैं कि आप इतने प्रोटेक्टेड हैं कि उस खुदा, वो खुदा सबसे पहले आप शुरुआत ही कुरान की होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और रहम वाला है। तो आप ये बोलते ही आप अपने पर्सपेक्टिव में ये लाते हैं कि मैं उसकी गोद में हूं, मैं खुदा की गोद में हूं, मैं खुदा के अंदर समोया हुआ हूं, तो मुझे किस बात का डर। तो अगर ये सोचने की बात है, ये एक जाविये की बात है, ये अगर आप ना सोचे इस तरह तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर तो नथिंग मेक सेंस, राइट? लेकिन ये उस एहसास की बात है। तो अगर हम ये एहसास अंदर से प्रोटेक्शन का रखते हैं ना अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, मुसीबतें जरूर रहेंगी, शायद मुसीबतें बढ़ भी जाएं, वो जो है नेचर का जो निजाम है वो चलता रहेगा। कभी फ्लड्स आएंगे, कभी अर्थक्वेक्स आएंगे, खुदा ना खास्ता और मुसीबतें अगले दहाइयों में और सेंचुरीज में आ सकती हैं, ये तो हिस्टोरिकली होता रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुसीबतें खत्म हो जाएं, इसका मतलब ये है कि हमारा सेंस ऑफ प्रोटेक्शन कितना स्ट्रांग है अपने लिए कि हम उस मदर्स वूम के अंदर अपने आप को महसूस करते हैं। जब एक बच्चा अपने आप अपनी माँ के गोद में अपने आप को महसूस करता है, जब जाता है उसकी गोद में, माँ की गोद में, तो वो उसके लिए उससे ज्यादा सिक्योर्ड प्लेस दुनिया में कोई नहीं हो सकती, ये तो आप बात मानते हैं। तो हमारा अप्रोच अगर लाइफ की तरफ ऐसा हो तो फिर क्या बात है, क्या बात है। और इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से देखें, अगर कि जब खुदा की रहमत के अंदर जब हम अपने आप को महसूस करते हैं सुंदर, तो खासतौर पर इस पेंडेमिक के हवाले से मुझे एक स्टोरी बहुत इंस्पायर, एक एग्जांपल बहुत इंस्पायर करती है, और मैं चाहूंगा कि यहाँ पर मैं शेयर करूं। आपने सीप को देखा होगा कभी, ऑयस्टर को, जो ऑयस्टर है, जो सीप है, उसके अंदर से सबसे जो कीमती चीज निकलती है वो उसका पर्ल या मोती निकलता है, और वो मोती जो है बड़े महंगे दामों में बाजारों में बिकता है। लेकिन
क्या हमने कभी सोचा है कि ये मोती जो है वो बनता कैसे है? तो इस पे थोड़ा सा मैंने पढ़ा और मुझे पता चला कि जो ऑयस्टर है वो इस तरह से उसकी जिंदगी होती है जैसे बहुत ही मजेदार हस्ती खेलती जिंदगी गुजार रहा है ऑयस्टर, अचानक जो है वो हवा से एक मामूली सा कंकर, मामूली सा उसके अंदर आके, उसके उस सीप के अंदर आके बैठ जाता है। अब वो मामूली से कंकर को वो ऑयस्टर, वो सीप जो है वो निकाल नहीं पाता। वो इसलिए निकाल नहीं पाता क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता है उसको निकालने के लिए। अब वो परेशान हो जाता है और फ्रस्ट्रेट होता है क्योंकि वो मामूली सा कंकर जो है वो उसकी जान का अजाब बन चुका है, उसको इतना इरिटेट करता है कि वो उसको कुछ समझ ही नहीं आता है। उसके लिए ऐसा लगता है जस्ट माई लाइफ इज एंडेड। उसके बाद दो रास्ते होते हैं, या तो वो अपनी लाइफ को एंड कर दें, खत्म कर दें क्योंकि ये कंकर उसको जो है कहीं का नहीं छोड़ता, या फिर वो ये करता है कि अपने सलाइवा के जरिए और उस लिक्विड जो जनरेट होता है ऑयस्टर के अंदर से उसके जरिए उस कंकर को नरिश करता है। गौर कीजिएगा, उस कंकर को नरिश करता है और उस कंकर को नरिश इस तरह से करता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एक प्रोसेस से गुजरता है उसकी सलाइवा के प्रोसेस से और उस लिक्विड जो होता है वो उस कंकर को इस प्रोसेस से गुजरने के बाद आहिस्ता 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 वो एक टाइम आता है कि वो कंकर इटसेल्फ कन्वर्ट हो जाता है एक मोती के अंदर, और जब वो मोती बन जाता है दैट डजंट बिकम अ प्रॉब्लम फॉर द ऑयस्टर एनीमोर। द रीजन इज बिकॉज वो अब मोती उठा लिया जाता है और उसको उसकी कीमत पर आप सब जानते हैं कि क्या है। इस सिंबॉलिक एग्जाम्पल का मकसद क्या है? मकसद ये है कि चाहे पेंडेमिक हो या कोई भी मुसीबत हो, ये हमें स्ट्रेंथन करने के लिए, एक तरह से अगर हम उस जाविये से सोचें तो हमें स्ट्रेंथन करने के लिए ये आती हैं, हमारे हमारी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आते, क्योंकि इमाम ने भी फरमाया अपने रीसेंट मैसेज में, उसको मैं क्विकली पढ़ता हूं कि इट इज अ मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन। इमाम फरमाते हैं, कहते खुश है इमाम, दैट माय जमात कंटिन्यूज टू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम आवर हिस्टोरिक ट्रेडिशन ऑफ फेसिंग एडवर्सिटी। यानी इमाम ने बोला है कि हमारी जो एडवर्सिटी यानी जो मुसीबतें हैं, जो मसाइब हैं दुनिया के अंदर, वो पहली दफा तो आए नहीं है तो ये बात एक्नॉलेज हो गई, लेकिन हिस्टोरिकली जो जमात ने फेस किए हैं सैकड़ों सालों में, सेंचुरीज से, उस पे इमाम फरमाते हैं कि मैं सेटिस्फैक्शन का इजहार करता हूं, मैं मुतमईन होने का इजहार करता हूं कि मेरी जमात ने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो एक तारीखी रिवायत of facing adversity and unity, और इसको इमाम ने फरमाया कि resilience के साथ, resilience का मतलब है ability to bounce back, यानी मेरे अंदर कितनी काबिलियत है कि मैं मुसीबतों के आने के बाद अपने आप दोबारा से जो है मैं खड़ा हो जाऊं और दोबारा जो है मैं पहले से भी ज्यादा पावर और पहले से भी ज्यादा कैपेसिटी के साथ जो है मैं अपनी लाइफ को गुजार पाऊं। Resilience, and I'm convinced that my Jamaat will emerge from the present crisis with enhanced strength and capacities as we plan for the future. Azam, hum kitna hope de rahe hain? Wo hope kyun de rahe hain? Kyunki wo oyster wali example pe agar hum jaye, musibatein kabhi khatam nahi hongi. Lekin aapka uski taraf approach kya hai? Aur jab opportunities aati hain, to hope aata hai. Jab hope aata hai, तो एक्शन होता है, एक्शन होता है तो रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं खुशी होती है, कामयाबी होती है। आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। बिल्कुल, अगर हम पूरे अपने सेशन को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारे एडवर्सिटीज होती हैं, जो टफ टाइम्स होते हैं, उसको देखने का एक अप्रोच होता है, और अगर हम उसको उस अप्रोच के साथ देखें कि हम जो है वो वूम में है मदर की, या फिर हम ये देखें कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हम इनको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो शायद हमारा आउटलुक, हमारा अप्रोच बिल्कुल बदल जाता है। और ये बहुत अच्छा है कि हम इस अप्रोच के साथ अपनी ज़िंदगी को देखें। और अगर हम अपने पूरे सेशन को समेटें, क्योंकि हमारे पास वक्त एक बहुत बड़ी लिमिटेशन होता है,
तो हमने ये देखा कि हमारे सेगमेंट में जितने हमने आज के सेशन में डिफरेंटली चीज़ों को डील करने की कोशिश की, हर किसी के लिए कोई ना कोई ब्यूटीफुल मैसेजेस ज़रूर हैं और मुझे पर्सनली बहुत कुछ लर्न करने का मौका मिला। लेकिन हमारी जमात में एक बहुत अच्छा सेगमेंट जो है ना वो हमारे यंगस्टर्स का है और जिनकी नर्चरिंग की जिम्मेदारी पेरेंट्स के ऊपर होती है, असातिज़ा के ऊपर होती है। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम इसको देखें कि हम किस तरह से बच्चों में इस लव के नोशन को इनकलकेट कर सकते हैं, स्पिरिचुअल बॉन्ड को स्ट्रेंथन करने में उनकी मदद कर सकते हैं, तो उनके क्या, उनके लिए आपके क्या पैगाम होंगे? ये बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने संदेश, क्योंकि हम तो एडल्ट्स हैं, हम तो किसी न किसी तरह अपने इस जर्नी में अपने आप को नेविगेट करते हुए देखते हैं, लेकिन बच्चों को हम किस तरह से इस चीज को आर्टिकुलेट करें और एक्सप्लेन करें, एजुकेट करें और समझाएं इस रिलेशनशिप को। सबसे पहली बात तो ये कि तीन चीजें हम फॉलो करें, तीन स्ट्रेटजीज हम अपने बच्चों के साथ कोशिश करें कि इस बॉन्ड को जो है रीइग्नाइट करते रहे। पहली बात यह है कि हम इंगेज कितना होते हैं अपने बच्चों के साथ, हम अपने फेथ के हवाले से, दीन इस्लाम के गुफ्तगू के हवाले से हम कितना ज्यादा इंगेज हैं अपने बच्चों के साथ, हम कितनी दफा अपने बच्चों के साथ अपने फेथ के बारे में बात करते हैं, अपने इमाम के बारे में बात करते हैं, जो इमाम का कॉन्ट्रीब्यूशन है इस दुनिया के अंदर, आप आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क देखे, अमामत इंस्टीट्यूशंस के जो काम है वो देखे, न्यूज में हमारे इस्माइली टीवी चैनल में हम देखते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर हम देखते हैं कि किस तरह से इमाम अलैहिस्सलाम जो है वो न सिर्फ जमात के लिए बल्कि पूरी पूरे आलम के लिए किस तरह से अपने कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो दो चार छोटी छोटी एग्जाम्पल्स आप लेकर आप एक गुफ्तगू का मौजू बनाए बच्चों के साथ और बच्चों से कहें कि आप इसके ऊपर सोचें। थोड़े बड़े बच्चे हैं, 10 12 साल 13 साल के बच्चे हैं, तो उनको कहें कि ये लें आप the smiley.org के अंदर ये आया है, आप इसको पढ़ें और लेट्स सिट टुगेदर एंड आप थोड़ा सा इसके ऊपर बात करें। डजंट मैटर, देयर इज नो राइट और रॉन्ग थिंग हियर, नोबडी इज गोना जज यू, बट जस्ट give that confidence to that child ke wo contribute kare, discuss kare. Hum sirf aur sirf ye cheeze religious education center tak hi mehdood na kare ke ye teachers ya asatiza ya tareeqa board ka hi kaam hai ke ye hamare bachchon ki deeni taleemat ko strong kare, lekin as parents hamari kya zimmedari hai, as ghar ke bade hamari kya zimmedari hai. Teesri cheez ye hai ki usko reinforce kitna karte hain. हमने कहा कि जी एक दफा हमने गुफ्तगू कर ली ना, साल तक हमने मजीद उसको टच नहीं किया, भाई वो एक दफा की तो थी नहीं, एक दफा से कुछ नहीं होता। डू इट एंड रिपीट इट एंड रिपीट इट एंड रिपीट इट, बार बार करते रहे, बार बार करते रहे और चेक करते रहे कि किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है, क्या सोच रहा है मेरा बच्चा इमाम के बारे में। हमारा काम यह है कि हम बच्चों के अंदर इमाम के लिए मोहब्बत को जो है वो इग्नाइट करते रहे, बार 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 उसके अंदर वो आग पैदा करते रहे और उसको रिलेट करें प्रैक्टिकल लाइफ के साथ बच्चों की, उसको आइसोलेशन में ना करें, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ करें। और तीसरी चीज ये है कि हम मौके ढूंढे कि ये किस तरह से करें, एवेन्यूज ढूंढे। हमसे कहेंगे जी बात करूं कैसे करूं, मैं तो जी बिजी होता हूं, काम पे होता हूं, हमारे पास टाइम नहीं होता। टाइम निकालें, मेक इट अ पॉइंट कि हम टाइम निकालें। क्यों? हमारे पास खाने पीने का टाइम होता है, हमारे पास एंटरटेनमेंट का टाइम होता है, हमारे पास बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज का टाइम होता है जिसको हम प्रायोरिटीज देते हैं। इस चीज को हम प्रायोरिटी दें अपने बच्चों के लिए। खाने पे बैठे हैं एक साथ तो खाने पर जो है वो टॉपिक छेड़ दें कोई भी बच्चों के साथ, वॉलंटरी एंगेजमेंट के ऊपर टॉपिक छेड़े, सेवा खिदमत किस तरह से और क्या अपॉर्चुनिटीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों को अच्छे कामों करने, काम करने की, उसको रीइंफोर्स करने की कोशिश करें। मुझे नहीं लगता कि ये कोई रॉकेट साइंस है और ये डूएबल चीजें हैं। ये चीजें अगर थोड़ी बहुत अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो प्यार और मोहब्बत जो है वो बच्चों के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर, हमने देखा कि
पेरेंट्स और टीचर्स किस तरह से रोल प्ले करते हैं, और उसमें असातिज़ा और वालदैन का एक बहुत बड़ा किरदार होता है कि वो अपने बच्चों को किस तरह से डेवलप कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी देख के सीखते हैं, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ को किस तरह से फिर उनके लिए मॉडल रोल मॉडल की तरह लेके जाते हैं। तो हम अपने अगर सेशन को समेटें तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आज आपने इतना सारा वक्त निकाला हमारे सेशन के लिए और इतनी फ्रूटफुल नॉलेज हमारे साथ शेयर की। कुछ चंद चीज़ों में अगर हम अपने सेशन को समेटते हैं तो हमने देखा कि ये स्पिरिचुअल बॉन्ड है जो कि एक इंसान का अपने मौला इतने इमाम के साथ जुड़ता है, और वो स्पिरिचुअल बॉन्ड परमानेंट नेचर का होता है और उसको कंटिन्यूस लव के साथ हमें नरिश करने की ज़रूरत है। लेकिन उस लव को एक्सप्रेस करना भी उतना ही ज़रूरी है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने हुकूकुल अल्लाह और हुकूकुल इबाद के साथ उसको देखने की कोशिश करें और हर एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करने वाली अप्रोच के साथ अपनी ज़िंदगी को लीड करें। तो ये छोटे छोटे पैगाम हैं जो मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे होंगे। पर्सनली मैंने तो इनसे बहुत लर्निंग हासिल करने की कोशिश की है। तो वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया इत्रफा खालदर की जानिब से भी, हमारी ऑडियंस की जानिब से भी, कि आपने इतना सारा वक्त निकाला। थैंक यू सो मच सुनिस, इट वाज सच अ प्लेजर। यू वेलकम। तो हम अपने सेशन के को यहाँ इंशाल्लाह नए सेशंस के साथ, नए टॉपिक्स के साथ हम वापस आएंगे। सेशन को यहाँ इख्तिताम करते हैं। आप एमिनी फॉर्म का लिंक प्लीज क्लिक करके अपने फीडबैक्स हमें जरूर शेयर कीजिएगा। अगले सेशन तक के लिए खुदा हाफिज़।